चले जहां बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस वक्त की अहम जानकारी देते चले, कोर्ट ने मौखिक रूप में कहा कि राज्य के डीसी की ओर से घुसपैठ पर गलत जानकारी दिए जाना बिल्कुल पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। साहिबगंज में चार बांग्लादेशी और देवघर में एक भी घुसपैठ न होने की जानकारी और सूचना दी गई थी, जिसके बाद से केंद्र कह रहा है कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण एक विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ी है। कोर्ट डीसी के खिलाफ अवमानना का नोटिस कर सकता है, लेकिन हमारा मकसद फैक्ट फाइंडिंग के माध्यम से वस्तु स्थिति जानना है। ये बात कोर्ट ने कहा। केंद्र के गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव हाई पावर कमेटी बनाने को लेकर निर्णय लेंगे। सॉलिसिटर जनरल इस कमेटी में कौन कौन होगा इस पर भी दोनों अधिकारी निर्णय लेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कही और साथ में 20 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए हमारे स्टेट हेड अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, अब इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, जिसके बाद से कोर्ट ने ये बात कही कि जिस तरह से डीसी के द्वारा तमाम जिलों के डीसी के द्वारा जो बात कही गई थी कि एक भी जो घुसपैठ है वो नहीं है झारखंड में, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जो डेटा है वो गलत दिया गया। अब आगे क्या कुछ जो अगली सुनवाई में देखने को मिल सकता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सख्त आदेश भी जो है वो दिए गए हैं। देखिए, बांग्लादेश घुसपैठ का ये जो मामला है, दानियल दानिश की तरफ से हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई और उसी पीआईएल के आलोक में कोर्ट ने शपथ पत्र मांगा था। पांच जिलों के डीसी से भी शपथ पत्र मांगा था और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं जैसे बीएसएफ है उनसे शपथ पत्र मांगा था, गृह मंत्रालय से शपथ पत्र मांगा था। तो जो राज्य के डीसी है पांच जिलों को, उन डीसी ने शपथ पत्र दिया जिसमें उन्होंने हवाला दिया कि झारखंड में किसी भी जिले में घुसपैठ नहीं है, अगर है भी तो नाम मात्र की है। जैसे साहिबगंज डीसी ने अपने शपथ पत्र में अपने हलफनामे में यह कहा कि सिर्फ चार जो घुसपैठ के मामले हैं वो उनके सामने है। उसी तरीके से देवघर में एक भी घुसपैठ का मामला डीसी की तरफ से नहीं कहा गया कि देवघर में भी किसी भी तरह की बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय का जो शपथ पत्र है, उसमें कहा गया कि नहीं भाई, इतनी ज्यादा घुसपैठ है जिसके कारण एक समुदाय विशेष की जनसंख्या ज्यादा हो गई है और वहां के आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई। अब इसको लेकर के हाई कोर्ट बहुत तल्ख है। आज की सुनवाई में हाई कोर्ट ने बहुत तल्ख लहजे में एक बात कही। हाई कोर्ट ने कहा कि जिन डीसी ने यह रिपोर्ट दी है तो उनको लेकर के हम कोर्ट के अवमानना के नोट उनके ऊपर कार्रवाई तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद उन पर कार्रवाई करना नहीं है। हमारा मकसद वहां जो वस्तु स्थिति है, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो देखना है। हमारा मकसद है कि अभी फिलहाल संथाल परगना जो है उसकी डेमोग्राफी में कितना बदलाव आया, क्या बदलाव आया है और कैसे बदलाव आया है। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि एक हाई पावर कमेटी का गठन हो, तो आप केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के गृह सचिव दोनों मिलकर के तय करें कि अधिकारियों के साथ एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए और ये हाई पावर कमेटी संथाल परगना के विभिन्न इलाकों में जाकर के वहां जो डेमोग्राफिक चेंजेस है इसको लेकर के एक रिपोर्ट बनाए और साथ ही कितनी घुसपैठ हुई है, किन किन रास्तों से घुसपैठ हुई है, कैसे घुसपैठ हुई है, इन सब की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। साक्षी जी, अभिषेक जी, बिल्कुल जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग की बात की जा रही है, जिस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि हमें फैक्ट फाइंडिंग पे बात करना है, ना कि हमें सिर्फ विकास या फिर कोई जिस तरह से हर चीज़ फाइलों में सीमित हो जाती है, ये सिर्फ फाइलों में सीमित करने वाली खबर नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले हमने भी ये खबर दिखाई थी कि एक विशेष समुदाय की जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है और एक विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और धर्मांतरण के मामलों की अगर बात करें तो वो भी लगातार में झारखंड में लगातार देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से धर्मांतरण का मामला हो रहा है, लोग अलग अलग धर्मों को की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं, और जिस तरह से ये डेमोग्राफिक चेंज को भी लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, ये कहीं ना कहीं एक विषय जो है वो गंभीर विषय उठते हुए नजर आ रहा है। अभिषेक जी, इसी बात है, देखिए हाईकोर्ट एक तरफ इस मामले को लेकर के सुनवाई कर रहा था, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी रांची में। आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा, तो उसमें उन्होंने कहा संथाल परगना में आदिवासी बेटियों को मार करके पहाड़ों पर टांग दिया जा रहा है और इसको लेकर के सरकार की गंभीरता नजर नहीं आ रही है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर के मंच से संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी को लेकर के आवाज उठाते हैं,
हिमंता बिस्व शर्मा लगातार संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी को लेकर के बात कर रहे हैं। बीजेपी के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको 10 में से 8 पोस्ट संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी को लेकर के नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए एक बात तय है कि राजनीति तो इस पर चल ही रही है और हल्की फुल्की नहीं, बहुत जबरदस्त चल रही है और आने वाले समय में ये राजनीति और बढ़ेगी और तल्ख होगी। लेकिन हाई कोर्ट ने ये बहुत अच्छी बात कही कि हमारा मकसद किसी अधिकारी को कटघरे में खड़ा करने की जगह फैक्ट फाइंडिंग करना है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय के साथ दोनों जगह के अधिकारियों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और उस कमेटी में हाई पावर जिसको कमेटी कहा जाएगा और वो कमेटी फैक्ट फाइंडिंग करे कि संथाल परगना में वस्तु स्थिति क्या है, क्या स्थितियां हैं जो बदलती डेमोग्राफी है उसको लेकर के और इसको लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट दे। देखिए इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी तो नजरें 20 सितंबर की सुनवाई पर है तो उस दिन इस मामले में अब क्या कुछ होता है। जी साक्षी जी। अभिषेक जी देखिए जिस तरह से आपने बताया कि 100 दिन जिस तरह से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं, अन्नपूर्णा देवी जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिला आयोग का गठन भी अभी तक नहीं किया गया, जिस तरह से लगातार महिलाओं के प्रति यहाँ पर अत्याचार देखने को मिल रहा है तो ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि जिस जिले में अलग अलग जिलों से अभी कल भी इस तरह की खबर आई थी कि किस तरह से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और वो पुराना मामला था और अब एक तरफ कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का अगर मामला सामने आता है और दूसरी तरफ तस्वीरों में ये देखने को मिला कि महिला आयोग का अभी तक गठन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को विचार करने की जरूरत है। साक्षी ये थोड़ा सा पेचीदा मामला हो जाता है, सूचना आयोग का गठन, महिला आयोग का गठन, अब इस तरीके के जितने आयोग है उनके गठन के लिए सबसे जरूरी था एक नेता प्रतिपक्ष की भी जरूरी और आधा सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया था लेकिन झारखंड में एक अदद नेता प्रतिपक्ष नहीं था इसलिए क्योंकि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर के बीजेपी जीत पर अड़ी हुई थी लेकिन चूंकि बीजेपी बाबूलाल मरांडी जो विधायक है वो जेवीएम से विधायक तो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष वो हो नहीं सकते थे, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष वो हो नहीं सकते थे इसलिए भी क्योंकि उनके ऊपर दल बदल का मामला भी चल रहा था और ऐसा कभी भी हो सकता था तो उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में एक पेचीदा मामला था, अमर बाउरी नेता प्रतिपक्ष बनाए गए लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद सरकार के पास बहुत कम समय रह गया तो मुझे लगता है मुश्किल से 6 महीने का सरकार का जो कार्यकाल था वो रह गया था। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने भी इस मामले को टाल दिया, अब तक सूचना आयोग का गठन, महिला आयोग के अध्यक्ष का गठन, ऐसे बहुत सारे संवैधानिक आयोग है जिनका गठन अब तक नहीं हो पाया और शायद अब इतना तय है कि आने वाले समय में, क्योंकि बहुत मुश्किल था सरकार का जो कार्यकाल है आचार संहिता से पहले वो 1 महीने का है, 1 महीने का भी नहीं है, 6 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में इन आयोगों का गठन अपना मुमकिन सा लगता है। तो कुल मिलाकर के देखिए संवैधानिक पेच में ये जो सरकार है इसके 5 साल का कार्यकाल संवैधानिक पेचों में ही चला गया, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे संवैधानिक पेच हो, चाहे दल बदल का मामला हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर के ये सरकार के कार्यकाल जो है वो जाना जाएगा। अब देखिए जनता तक क्या मैसेज पहुंचा इसको लेकर के अब वो तो जनता ही बताएगी क्योंकि चुनाव के नतीजे जनता ही सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में, चुनाव के नतीजे ही सब कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे। साक्षी चलिए तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका, आपसे अपडेट लेते रहेगा खबरों पर बने रहेगा। तो आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और आपको जानकारी देते चले कि अगली सुनवाई 20 सितंबर को होनी है। फिलहाल के लिए